So I was expecting something bigger than the explosion of an atomic bomb, but it was class apart. It was a meteor crash. चैप्टर की स्टार्टिंग भी बिना किसी कवर स्टोरी के ही होती है, तो हम भी सीधा मुद्दे पर ही चलते हैं। इस चैप्टर में हमें तीन सिनेरियो देखने को मिले हैं। पहला हाचिनोसु पर, दूसरा कैसे कुजान ब्लैकबीट पायरेट्स में ज्वाइन हुआ, और तीसरा विनर आइलैंड पर। सबसे पहले बात करते हैं हाचिनोसु इवेंट की। यहाँ पर गार्फ ने लैंड करने के बाद जो बात कही ना कि आई हैव लॉस्ट माय टच, मतलब सोचो भाई ये बंदा इस उम्र में अपने अटैक से इतना बड़ा इंपैक्ट कर रहा है, तो ये अपनी पीक में तो जरूर एक ट्रू मॉन्स्टर रहा होगा। वेल, अगर ये लोग इतनी आसानी से कोबी को ले जाते बस एक अटैक के बलबूते पर, तो काफी फीका हो जाता नहीं। इसलिए तभी एंट्री होती है कुजान आओकीजी की, द 10th कैप्टन ऑफ ब्लैकबीट पायरेट्स। बट ब्रो, आई ऑलवेज थिंक दैट कुजान इज ऑन अ गुड साइड, बट ही इज नॉट ऑन एनीवन साइड। कुजान गार्प को आइस में कवर करके इमोशनल गेम खेल रहा होता है, पर शायद वो भूल रहा था कि गार्प ने इसको मरते हुए देखा है, तो ये तो गार्प के लिए बहुत छोटी सी बात है। और तभी गार्प वो कर देता है जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया, एटलीस्ट ऑन स्क्रीन तो नहीं कर पाया। गार्प आओकीजी की आइस से निकल कर उसे एक ऐसे अटैक से घायल करता है जिसका नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ब्लू होल। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, हाउ कुजान जॉइन द ब्लैकबियर्ड पायरेट्स। तो इस सब की शुरुआत होती है तकरीबन एक साल पहले, जब कुजान ने नेवी छोड़ी और एक आइलैंड पर वो ब्लैकबियर्ड पायरेट्स से जा मिला, और दोनों के बकचोद बिहेवियर के चलते उनकी तालमेल कुछ ऐसी बैठी कि ब्लैकबियर्ड ने कुजान को उसके क्रू को ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। उस ऑफर को एक्सेप्ट करके कुजान बन जाता है द 10th कैप्टन ऑफ ब्लैकबियर्ड पायरेट्स। इसी दौरान हमें ऑफिशियली ये भी पता चल जाता है कि आओकीजी ने अकाइनू के साथ हुई फाइट के दौरान अपनी एक टांग गवा दी थी, जो कि हमें पहले नॉन कैननली वन पीस फिल्म जेड में दिखाया जा चुका है। अच्छा, वैसे ब्लैकबियर्ड क्रू और कुजान की बातों के दौरान एक बात उठती है एक सर्टेन एंटिटी के बारे में, जिसे रेफर किया जाता है एज द मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स। इस कैरेक्टर के बारे में फर्स्ट टाइम चैप्टर 1056 में बात होती है, जब वानों से निकलते हुए किड बोलता है कि अब हमें मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स को ढूंढना पड़ेगा फॉर देयर नेक्स्ट लॉर्ड कोनिग्लिफ। एंड अब जाके सेकंड टाइम इस कैरेक्टर की बात उठी है, आखिर कौन है ये बंदा, और उससे भी बड़ा सवाल क्यों है ये बंदा। इनमें से दूसरे सवाल का तो जवाब हमें पता है कि यही है जिसके पास मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लॉर्ड पोलिग्लिफ हो सकता है। बट पहले सवाल के जवाब के लिए मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं। यहाँ जो फ्लेम मार्क्स की बात हो रही है ना, ये या तो मेटाफोरिकली हो रही होगी या लिटरली। इन्हीं दोनों बेसिस पर मैंने कुछ कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से सबसे पहला है जैगुआर्डी सोल, दूसरा हो सकता है रॉजर पायरेट्स का मेंबर गावान, एंड मे बी ही कुड बी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ रॉक्स पायरेट्स। जैगुआर्डी सोल मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जब हमें चैप्टर 1066 में ये पता लगा था कि वो जिंदा है, और जब उसकी हमें हल्की सी झलक दिखाई जाती है, तब वो पूरी तरह से पट्टियों में कवर्ड था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जलने के कारण ही उसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी हों। दूसरा गावान मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सही समय रहेगा रॉजर पायरेट्स के एक और क्रू मेंबर को दिखाने का, ताकि ओडा उसके थ्रू हम फैंस को और जानकारी दे सके रॉजर पायरेट्स के डिसबैंड होने को लेकर एंड मच मोर। तीसरा, मैंने रॉक्स पायरेट्स का मेंबर भी इसीलिए बोला था क्योंकि रॉक्स पायरेट्स के बारे में हमें फिलहाल बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पता है, जो कि काफ़ी कम है। अभी और इन्फॉर्मेशन पता लगनी रहती है, जो कि अब फाइनल सागा में डिस्क्लोज होनी चालू होगी। वेल, क्या पता ये बंदा कोई भी ना हो इन तीनों कैंडिडेट्स में से, क्या पता ये कोई नया कैरेक्टर ही निकल जाए। अब इन ऑप्शंस में से सही होने के किसके चांसेस ज्यादा हैं, ये तो सिर्फ ओडा ही जानता है। वेल, मूविंग ऑन टू द लास्ट सिनेरियो ऑफ दिस चैप्टर, विनर आइलैंड इवेंट। देखो दोस्तों, झूठ मत बोलना, तुम्हें भी कहीं ना कहीं तो ये जरूर पता था कि लॉ ही हारेगा, और नहीं भी बताता तो मैं तुम्हें एक वजह दे देता हूँ। वेल, क्या तुम्हें पता है कि वन पीस एक्चुअली में इतने सालों तक कैसे चला? मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ओडा के एडिटर्स ने उसको दो आइडिया सजेस्ट करे थे, जिनसे वन पीस में दो चीजों की क्रिएशन हुई थी, पहला वॉरलॉर्ड्स और दूसरा वर्स्ट जनरेशन। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि फाइनल सागा स्टार्ट हो चुका है, और इससे पहले वानो आर्क में वॉरलॉर्ड सिस्टम ऑफिशियली खत्म हो चुका है,
तो अब फर्स्ट जनरेशन का भी खत्म होना जाहिर सी ही बात बन जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखो तो हाल ही में किड भी शांस से हार गया और अब लॉ ब्लैक बियर्ड से। तो इस पैटर्न को देखते हुए लॉ का हारना तो पक्का था, पर वो लास्ट में बच कर निकल गया, ऑल थैंक्स टू बेपो इन हिज सो लॉन्ग फॉर्म। अगर बेपो नहीं होता ना तो लॉ आज तो लिटरली खत्म था समझो। लेकिन दोस्तों मून तो निकला हुआ ही नहीं था, तो बेपो अपनी सुलंग फॉर्म में आया कैसे? यहाँ आता है अपना क्यूट सा चॉपर एज अ ड्रग डीलर बनके। बेपो को अपनी सुलंग फॉर्म को अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, इसलिए चॉपर उसको रंबल बॉल जैसा कोई ड्रग दे देता है इमरजेंसी यूज के लिए, और बेपो उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करता है। वेल, बेपो ने तो अपने कैप्टन को बचा लिया पर किलर नहीं बचा पाया। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों ने एक पैरेलल नोटिस किया हो कि किड और किलर तो पिट जाते हैं और उनका बाकी का पूरा क्रू बच जाता है, और यहीं पर लॉ एंड बेपो बच जाते हैं और उनका बाकी का पूरा क्रू पिट जाता है, तो क्या इस पैरेलल में कोई कनेक्शन देखने को मिल सकता है? आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।